जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर फ्लैग होस्टिंग हुई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सुजला सुफला मलयज शीतला, शश श्यामला मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग आपको लेकर आ गए हैं शिमला के हिस्टोरिकल रिज मैदान पे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हम लोग देखेंगे यहां पर। अभी कुछ बताइए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स, एंड आज इंडिपेंडेंस डे वी ऑल नो, एंड हम लोग आ गए हैं शिमला के मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस रिज पर, और आज यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देखेंगे। वैसे यहाँ पर हमेशा ही कल्चरल इवेंट होते रहते हैं, एंड पहले भी हमने आपको दिखाया है अपने वीडियोस में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और आप सबने काफी उसको पसंद भी किया था। एंड आप भी बताइए कुछ यहाँ पे जो कोविड अपडेट हुए हैं नए वाले। कोविड पे मैं बात करूँगा दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, जो सीएम श्री जयराम ठाकुर हैं वो चले गए हैं मंडी, तो वहाँ पे फ्लैग होस्ट करेंगे और यहाँ पे सीएम के द्वारा फ्लैग होस्ट किया जाएगा। और कोविड के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कुछ कोविड नए प्रोटोकॉल यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से। तो आप अगर डबल आपने डोज ले लिया है वैक्सीनेशन का तो वो सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, या फिर आप आरटीपीसीआर लेटेस्ट जो 72 आवर्स से ज़्यादा पुराना नहीं हो वो आप दिखा सकते हैं, और फिर आप स्टेट में एंटर कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन शिमला रिज। फ्रेंड्स, शिमला रिलेटेड ब्यूटीफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड तो देर किस बात की, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। वी आर वेरी एक्साइटेड, क्या होता है आज देखते हैं। तो आप मनाते रहिए आजादी का जश्न हमारे साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया 11 बजे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है, और देख ही सकते हैं रिज आज कितना डेकोरेटिव लग रहा है, कितना खुशनुमा माहौल है, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। और अभी हम लोग चलते हैं वहाँ ऊंचाई पर और वहाँ से पूरे रिज को देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा रिज। अभी रश यहाँ पे दिख रहा है, होस्टिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। अभी लगभग 10 बजे हैं, तो अभी लगभग 1 आवर है फ्लैग होस्टिंग में। लगभग 11 बजे यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया जाएगा, जैसा मैंने बताया SDM यहाँ पे फ्लैग होस्ट करेंगे इस बार। आइए वहाँ पे ऊपर चलते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया था आपको, वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है। ऊपर से व्यू कितना शानदार, और तिरंगा अपना लहरा रहा है वहां पे शान से। ऊपर से मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर से नजारे। अभी फ्लैग होस्ट होगा उसी जगह पे सामने, अभी थोड़ा हाफ एन आवर है अभी उसमें, लेकिन हम थोड़ी देर वेट करेंगे। और इसी ग्राउंड में होगा कुछ कल्चरल इवेंट। पुलिस की बहुत ही यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है अभी। टूरिस्ट और लोकल पब्लिक भी वेट कर रहे हैं यहाँ फ्लैग होस्टिंग का। देखिए जहाँ से मैं इस व्यू को देख रहा हूँ वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। हम लोग यहाँ से फिर नीचे उसी ग्राउंड पे जा रहे हैं। अभी हम लोग रिज ग्राउंड पर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी है जहाँ पे VIPs बैठेंगे,
और देख सकते हैं सब लोग बेसब्री से फ्लैग होस्टिंग का वेट कर रहे हैं। ये रहा शिमला का फेमस रिज और इस पूरे ग्राउंड को भी खाली किया हुआ है और ये सामने देखिए बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर यहीं पे फ्लैग होस्ट होगा। श्री हरिराम जी सलामी मंच की और अक्सर पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण एवं मंजीत शर्मा यहाँ के SDM है फ्लैग होस्टिंग के लिए सामने आ चुके हैं। महोत्सव विजेत हुए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर फ्लैग होस्टिंग के बाद सभी लोगों को SDM अपनी जहाँ पे उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया गया है वहाँ की ओर बढ़ते हुए सर कुछ कल्चरल इवेंट्स होंगे या हो गया इस बार कुछ नहीं है कोविड के कारण कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं बस एक्चुअली पता क्या जो यहाँ पे रिहर्सल चल रही थी जो आप जी 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 वो कोटखाई में इस बार है यानी 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा यहाँ से स्टेट लेवल का मंडी में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा कोटखाई ठीक है सर यहाँ पे आज की सही है। ओके तो लोगों निराशा हाथ लग गई जी 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 हम लोग भी आए थे देखने के लिए। इस बार यहाँ पे कोई कल्चरल इवेंट नहीं है जैसा कि हम सभी लोग सोच कर आए थे थोड़ी मायूसी भी है लेकिन कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे। SDM श्री मंजीत शर्मा झंडा फहराने के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए एवं हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं देते हुए अब हम लोगों को भूख भी लग रही है तो कुछ फूड भी एंजॉय कर लेते हैं। फ्लैग होस्टिंग के बाद दोस्तों अब हम लोग भी घर की ओर निकलते हैं और भीड़ भी अब तितर बितर हो चुका है यहाँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये इंडिपेंडेंस डे इवेंट पसंद आई है। आई थिंक कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स नहीं हुए हैं नहीं तो और भी ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। मिलते हैं आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 बाय।